अरे ऋषभ जी आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ लीजिए, चाय कॉफी क्या लेंगे? नहीं नहीं थैंक यू। और बताइए क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस ठीक ठाक। तो कुछ तो खास कीजिए, अब आप ही बताइए। पहले वाली बुक की हालत तो आप जानते ही हैं क्या हुआ, इस बार तो ऐसा कुछ लिख दीजिए कि कम से कम प्रिंटिंग का तो खर्चा निकल आए। हर नावल पहले वाले जैसा हिट नहीं होता है, लेकिन आपको तीन तीन बुक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है हमने, तो उसमें कम से कम एक बुक तो ऐसा लिख दीजिए। अरे ऐसा नावल जिसे लोग पढ़ें, जिसकी चर्चा हो, देखें, नहीं तो जान ही रहे हैं कागज कितना महंगा हो गया है, प्रिंटिंग कितना महंगा हो गया है। और क्या लेंगे, चाय तो लीजिए। नहीं नहीं थैंक यू। ठीक है, आपकी मर्जी। समंदर भी ना, न जाने कितने राज अपने अंदर छुपाए रहता है। बाहर से देखो तो शांत रहता है और अंदर हलचल रहती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। वैसे आपका क्या कहना है? सही कहा आपने, लेकिन समंदर की अच्छी बात यह है कि अपनी लहरों के साथ साथ अपना कचरा भी बाहर फेंक देता है, पर शायद इंसान इतना खुशकिस्मत नहीं होता। हाँ, लेकिन समंदर के पास उन चीज़ों को बाहर फेंकने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, लेकिन हम इंसानों के पास होता है। वैसे आप किस उलझन में पड़े हुए हैं? समस्या थोड़ी बड़ी है, समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे निकले। तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है? आप हमें बताएं, हम शायद कोई मदद कर पाए। सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। मैं ऋषभ, राइटर हूँ। मैं भी आप ही की तरह उलझा हुआ हूँ। शायद बात करने से कोई रास्ता मिल जाए हम दोनों को। तो आप मुझ में अपनी स्टोरी तलाश कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या पता आपकी कहानी सुन के हमारी कहानी के कुछ किरदार मिल जाए। क्या करते हैं? धोखा देता हूं। इंटरेस्टिंग, लड़कियों से धोखा खाने के बाद लड़के ऐसे ही बात करते हैं। पापा अक्सर कहते थे कि पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई नाप लिया करो, लेकिन मैं कहता था कि अगर गहराई नापने जाएंगे तो कभी तैरना नहीं सीख पाएंगे। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार आदमी थे, और मुझे भी ईमानदार बनने की नसीहत देते थे। मुझे उनके विचारों से, ईमानदारी से उलझन होती थी, और एक दिन मैंने बैग उठाया और निकल गया उनके घर से दूर, विचारों से दूर। भूख और ज़रूरत ने तोड़ दिया था मुझे। कब से लोगों को ठगना शुरू किया मुझे याद भी नहीं। सपने दिखाने की कीमत लेता हूँ, वो सपने जो कभी सच नहीं होते। किस्मत इतनी ख़राब, जहाँ कहीं पैसे इन्वेस्ट किए सब डूब गए। लेकिन तुम कुछ ढंग का भी तो कर सकते थे। हाँ, गया था कुछ लोगों के पास। जो काम मुझे करना था उसके लिए लोगों ने मुझे उस लायक नहीं समझा,
और जो काम मुझे ऑफर करते थे वो मुझे पसंद नहीं था। तो तुमने ठगना शुरू कर दिया? तो क्या करता, बचपन से यही सिखाया गया था, जो सही लगे वही करो। तो अब? अब जिन लोगों से पैसे लिए थे उनके कर्जे मेरे ऊपर इतने बढ़ गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कैसे चुकाऊं। छुपते छुपते यहां तक पहुंच गया हूं, पर घर वालों की बहुत याद आती है। माँ बहुत रोती है फोन पर, 4 साल हो गए। तो मिल क्यों नहीं आते? इतना आसान थोड़ी है, क्या मुँह लेके जाऊंगा घर। इतना मुश्किल भी नहीं है। तो कैसी लगी मेरी कहानी, कुछ लिखने लायक है? देखो, ऐसी कहानियां तो क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में रोज आती हैं, ये मेरे किसी काम की नहीं है। गांव का क्या नाम बताया था तुमने? विसनपुर, पूना के पास। वैसे तुम तो राइटर हो, बहुत पैसे कमाते हो। हेलो ऋषभ जी, कांग्रेचुलेशंस भाई, बधाई हो बधाई। आपने कमाल कर दिया, क्या किताब लिखी है। मैं तो बोलता हूँ कि अभी आपकी सारी किताबें मैं छापूंगा। कल ही आकर आप नेक्स्ट किताब के लिए अग्रीमेंट कर लीजिए। जी मैं जरूर आऊंगा, कमाल लिखते हैं। बस ऋषभ जी, आपने बताया नहीं कि आप बचपन में घर से भाग गए थे और ऐसे आराम से जी ऐसे बहुत प्रकार छुपा रखा है आपने। क्या हुआ ऋषभ, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर। तुम चलो, मैं आता हूँ। श्योर। जरूरत क्या है ऋषभ जाने की? पता नहीं वो किसी और का पैसा लेकर कहीं और होगा। तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे उसे? डोंट वरी, रिलैक्स, मैं आ जाऊंगा।
राजू शुक्ला का घर इधर ही है क्या? आगे गली में तीसरा घर। कोई है? कोई है? नमस्ते। नमस्ते, किससे मिलना है? जी वो राजू शुक्ला। क्यों? वो दरअसल है ना। अरे जाके उसी से मांगो ना, यहाँ कहाँ चले आए हो? अरे जिसे तो यही चला आता है। अरे तुमको क्या लगता है पैसा हम यहाँ गाड़ के रखे हैं क्या, जमीन में ये घर में? अरे पैसा होता ना तो हम एक घर बनवाते। हालत देखो घर का कैसा है, टूटा फूटा। अरे बेटी का शादी कराते, साड़ी पहनते, कहाँ से आएगा पैसा? और ये राजू नालायक साला, न जीने देता है न चैन से मरने देता है, न जाने कौन जन्म का बदला ले रहा है हमसे। अरे जाओ ना यहां से, जाओ। रुको, वो कुछ महीने पहले आया था राजू, अब 3-4 लोग आए और उनके साथ गया। बोला अम्मा हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं और काम खत्म करके आ जाएंगे। गांव के लोग तो बोले उसको मार डाला। क्या करें? कहां ढूंढे हम अपने? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ऋषभ, तुम क्यों गिल्ट फील कर रहे हो? आज मुझे लग रहा है कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। मैंने उसकी कहानी को अपनी कहानी बना के बेच दिया, कहीं ना कहीं उसकी मौत का मैं भी जिम्मेदार हूं। ऋषभ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जबरदस्ती ये सारी चीजें सोच रहे हो। ये पढ़ के बताओ कैसी है? की मुखिया सोमवार से प्ले स्टार भारत पर। ये क्या है ऋषभ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या है?
बैठो बताता हूँ, आराम से बताता हूँ। उस आदमी की मौत का मैं कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मान रहा हूँ, और अगर ये सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई तो कहीं ना कहीं मैं खुद को गुनहगार मानता रहूंगा, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुमने ये सोचा है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा लोगों में? लोग तुमको चोर समझेंगे ऋषभ, और हो सकता है तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर दे। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे समझ में आ रहा है। एक राइटर का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि लिखा, छप गए, पैसे कमा लिए, उसके आगे भी उसकी कोई जिम्मेदारी होती है, और जो भी मैं कर रहा हूं उससे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा। ये क्या ले आए हैं सर आप? इससे पता है कि आपकी इमेज क्या रहेगी? जितना नाम, जितनी शोहरत, जितनी इज्जत आप कमाए हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्या करूं, छाप दूं? कोई बात नहीं अमित जी, आप पब्लिश कीजिए। एक बार सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है। ठीक है भाई, हम तो पब्लिशर हैं, दुकान लगाए बैठे हैं, बाकी इमेज आपकी है, आप देखिए। नमस्ते माँ जी। तुम फिर आ गए? तुमको यकीन नहीं होता का कि हमारे पास पैसा नहीं है? आओ अंदर जाओ, अगर कुछ काम का लगे तो ले जाओ उठाकर, जाओ। अजी मैं पैसे लेने नहीं, पैसे देने आया हूँ। मैंने और राजू ने मिलकर शेयर में एक कंपनी शुरू की थी। कुछ महीने पहले वो घर आया और ये सब हो गया, तो उस दिन भी मैं उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया था। ये राजू के पैसे हैं, ये कंपनी के मुनाफे में आए हैं, इसे रखिए। प्लीज इसे रखिए। नमस्ते।